हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज के वीडियो में हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हमने एक कलेक्शन यूनिट वाइज बनाया है, और इसके अलावा जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में वो भी हमने इसमें मेंशन किया है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आपको अगर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने के लिए किसी अदर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आपको क्वेश्चन भी यहीं पे मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड कराया है। सो यूनिट वाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है हर एक यूनिट में। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कल आपके एग्जाम्स है, तो एक क्विक रिविजन के लिए ये वीडियो, ये आपका जो ये पीडीएफ है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देख लेते हैं कि यूनिट वाइज इसके कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट वन के लिए, ये है आपका यूनिट वन का सिलेबस, जिसमें कि बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जिसमें ये इसके सब टॉपिक्स हैं। इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे यूनिवर्सिटी में, वो कुछ उसमें जैसे आपको पता ही है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें बाइफर्केट किया है कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको से जनरली पूछा जा सकता है, लाइक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है व्हाट इज एआई एंड डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम दैट थिंक रेशनली एंड सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, सो ये इसमें से हो सकता है सिर्फ इतना भी पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज एआई, या इस पर्टिकुलर मींस की ये पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डिफाइन करना रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, सो इसके लिए ये आंसर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, वो आंसर यहाँ से आप रेफर कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू, ये यहाँ पे हमने मेंशन किया है लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सो इसलिए इसको यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अब इसके अलावा और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इसमें, लाइक व्हाट इज वीक एआई एंड स्ट्रांग एआई, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आंसर आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। अब इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है लाइक एक्सप्लेन गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आर्किटेक्चर विद प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन दिया गया है, ये डायग्राम प्रोवाइड किया गया है आपको। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना रहेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके हैं लाइक व्हाट इज पीईएस इंफॉर्मेशन, और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया, एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया गया है और उस सिनेरियो के लिए ये कंडीशन आपको डिजाइन करनी रहेगी, सो उसका सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अब ये है आपका यूनिट नंबर टू, ये टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर टू में है लाइक सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस, यूनिफॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज, इनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इस यूनिट में पूछे जाएंगे, सो उसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बेसिकली डिफरेंस पूछ सकता है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग एंड एआई कंप्यूटिंग का, या इसके अलावा मेन एस्पेक्ट्स कंसिडर बिफोर सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम, वो क्या क्या हो सकती है। तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, यू कैन रेफर इट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इसको वन बाय वन देख सकते हो। ये पीडीएफ यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बेसिकली ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है फॉर अ क्विक रिविजन पर्पज। इसी तरीके से ये आपके अदर क्वेश्चन है, ये वन बाय वन आप इसको देख सकते हो। फिर यहाँ पे इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए गए हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वाटर जग प्रॉब्लम, ये एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा इसको। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये प्रॉपर ये एक्सप्लेन करना होगा कि डिफरेंट स्टेट्स बना के इसके अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे जा सकते हैं वो है लाइक हाउ एआई इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजर नॉलेज, तो ये आप उसका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हो। फिर इसी तरीके से वेरियस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप इसको वन बाय वन रेफर कर सकते हो। फिर इसके बाद इसी तरीके से यूनिट थर्ड में अगर हम, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिटेल में भी मेंशन किए हुए हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक हिल क्लाइंबिंग सर्च स्ट्रेटजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। कई साल के पेपर्स को रेफर किया हमने, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने देखा कि कई बार कई सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन
पूछा गया था, तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया गया है, सॉल्यूशन आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर आपके क्वेश्चन, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर मेंशन किया गया है, सो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में लिखना होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उसका आपको ये ध्यान रखना है कि एक नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम मेंशन करना है एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, सो दैट आप एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। इसी तरीके से आप अगर यूनिट 3 पे आते हैं, सो यूनिट 3 बेसिकली ये बेस्ड है प्रोपोजिशनल लॉजिक, थ्योरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इन्फ्रेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग एंड रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज, ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लाइक डिफाइन द टर्म नॉलेज, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में। इसके अलावा इसी तरीके से फोर्थ यूनिट का भी इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन, वो भी आप फोर्थ यूनिट के जो भी है टॉपिक्स उसके अकॉर्डिंग इसमें रेफर कर सकते हो। यहाँ से ये आपका फोर्थ यूनिट का है, यहाँ से आप रेफर कर सकते हो फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन। और इसी तरीके से अगर आगे आप देखोगे तो आपको फिफ्थ यूनिट के भी क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, सो वहां से भी आप वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।